हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोगों का क्वेश्चंस है कि जो इंडिया पोस्ट ऑफिस की तरफ से ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसी निकाली गई थी, तो इसकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट तो जारी कर दी गई है। और फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कहीं ना कहीं 100 आउट ऑफ 100 ही यहाँ पर परसेंटेज गए हैं, कट ऑफ गई है, और 100 वालों का ही सिलेक्शन कहीं ना कहीं यहाँ पर जनरल और ओबीसी में हुआ है। फिर उसके बाद में कहीं ना कहीं कुछ टाइम दिया गया जिसमें डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया गया, और उसके बाद में सेकंड लिस्ट भी यहाँ पर जारी की गई। तो सेकंड लिस्ट में कहीं ना कहीं आपको 1 से 2% कम देखने को मिले हैं, प्रत्येक राज्य में तो नहीं, लेकिन कुछ राज्य में 1% तो किसी में 2, तो किसी में सेम 100 में से 100 आउट ऑफ आपकी कट ऑफ सेकंड लिस्ट में रही है। तो कहीं ना कहीं आपकी 99, तो कहीं कहीं 98 आपकी जनरल और ओबीसी की कट ऑफ देखने को मिली है। बाकी एसटी और एससी की एक दो और कम, लगभग 96 to 97 आपको कट ऑफ देखने को मिली है। जैसे कि आप सभी को इंतजार है कि अब थर्ड लिस्ट कब आएगी, ताकि आप सभी लोग जो 95-96% वाले हैं वेट कर रहे हैं कि थर्ड लिस्ट में कहीं ना कहीं हमारा हो जाएगा सिलेक्शन। तो देखिएगा, लोगों ने तो बहुत ज़्यादा मात्रा में फॉर्म्स को अप्लाई किया है, और कहीं ना कहीं सिंपल सी बात है कि जब फर्स्ट लिस्ट में आपके 1% कम गई है कट ऑफ, तो फिर से अब जो नेक्स्ट लिस्ट आएगी इसमें भी कहीं ना कहीं एक और कम, मतलब कि 99 से 98 पर कट ऑफ गिरने का आपका चांसेस है। तो आप सभी लोगों का क्वेश्चन है कि इसकी लिस्ट कब आएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इतने राज्यों की लिस्ट आपकी यहाँ पर जारी की गई है, जिसमें से आप देख सकते हैं कि कर्नाटका की और गुजरात की, इस तरह से हर एक जगह की यहाँ पर जो है सेकेंड लिस्ट आपकी आ चुकी है। अब जो थर्ड लिस्ट है, तो क्वेश्चन इस बात का है कि ये कब आएगी। तो कहीं ना कहीं जैसा कि आपने देखा कि जो फर्स्ट लिस्ट और सेकंड लिस्ट है, इसके बीच का जो गैप है लगभग जितने दिन का रहा है, बस वही जो सेकंड और थर्ड लिस्ट है इसके बीच में भी आपका गैप रहना है। तो उम्मीद है कि आपका रिजल्ट जल्द से जल्द आने की संभावना यहाँ पर है। तो जो इंडियन ग्रामीण डाक सेवक है, इसका जो थर्ड लिस्ट है वो आपकी जल्द से जल्द आने की यहाँ पर संभावना है।